कितनी भी लंबी हो पर लोगों में भक्ति कम नहीं होती है। और देखिए लोग अपने यहाँ से रुद्राक्ष भी, शंख भी और शिवलिंग भी लेके जाते हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ, दिखाता हूँ रुद्राक्ष किस तरह का होता है। ये क्या है, कौन सा है? ये रुद्राक्ष है। देखिए रुद्राक्ष है, देखो ये इसका फल क्या बोलते हैं इसको, फल ही बोलते हैं रुद्राक्ष फल है। और देखिए उसमें से ऐसे ये निकलते हैं। और इसका ओरिजिनल भी आपको और दिखा देता हूँ मैं। ये क्या काम आता है? क्या चीज़ आप बता सकते हैं इसको? रुद्राक्ष फल है। अच्छा रुद्राक्ष फल, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे रुद्राक्ष निकलेगा। इसमें कितना मिट्टी होगा, कितना भी निकल सकता है उसमें। तो आपको हुकुम सिंह ब्लॉग्स के थ्रू दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इसके अंदर रुद्राक्ष निकलेगा और कितना मुखी होगा ये नसीब के ऊपर बात होगी। क्या मुख बिना मुख के होगा तो ये भी देखते हैं अभी हम। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में देखो यार, ये नया चीज़ मैं आपको अपनी वीडियो के थ्रू दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। भाई इसका कुछ ना कुछ मुखी निकलेगा जब इसका पैसा दिया जाएगा। तो पंचमुखी, पंचमुखी कैसे पता चला? ये लाइन आता है मेरे को, लाइन है। एक चार चार पाँच पंचमुखी एक भाई ये बताओ, पंचमुखी निकला, पंचमुखी निकला है। और अगर एक मुखी होता है वो कितने का है? 6,000-20,000 ऐसा होता है। ओके, और ये कितने का है? ये सिर्फ यार 2,000 का लिया मैंने, ठीक है ये 2,000 का ही है। और इसमें निकले पांच मुखी हैं, मतलब मेरी किस्मत ख़राब है, नसीब के ऊपर आता है ज़्यादा करके पंचमुखी आता है ज़्यादा करके, क्योंकि ये पंचमुखी लाते हैं, इनको ही नहीं मिलता होगा यार जंगल में से। आज आपको मैंने दिखाया अपना त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के पास में।